नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीता पदलकर ने कहा कि औरंगाबाद शहर में कुल 7 कोरोना के मरीज पाए गए। इन 7 रोगियों में से एक सतारा क्षेत्र में, एक दिलोई क्षेत्र में, एक जलाल कॉलोनी में, 2 अहाब कॉलोनी में और एक आस्ताब कॉलोनी में पाए गए। वहीं सभी संदिग्ध रोगियों से नमूने लेकर जाँच के लिए भेजे गए। कम से कम 100 ऐसे नमूने भेजे गए हैं और मरीजों के संपर्क में रहने वाले हर व्यक्ति का पता लगाने के लिए काम जारी है। वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई। बता दें कि 58 के बुजुर्ग का इलाज वैली अस्पताल में जारी था और वो मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी था। पूरे देश में कोरोना का संकट फैल रहा है, उसे रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर घूमने की अनुमति नहीं है। फिर भी इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए लोग बाहर निकल ही रहे हैं। ऐसे लोगों पर रीनापुर शहर ट्रैफिक पुलिस ने 8 दिन में 330 गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए बेवजह घूम रहे लोगों के ऊपर मामले दर्ज किए और उनसे 67,700 रुपये का दंड भी वसूला। इसके आगे भी अगर कोई बेवजह गाड़ियों पर घूमता हुआ मिला तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री कोरोना का अंधेरा दूर करने के लिए सभी देशवासियों से अपील की थी कि रात 9 बजे 9 मिनट तक मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर दिखाना है। हम सब लोग मिलकर के कोरोना जैसी बीमारी को कैसे हरा सकते हैं। प्रधानमंत्री की अपील सुनकर यवतमाल जिले में शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों में सभी लोगों ने अपने घरों को दीयों से रोशन किया और कोरोना जैसी बीमारी के खिलाफ अनेकता में एकता का संदेश दिया। देश में लॉकडाउन लागू है, ऐसे में जिन लोगों के घरों में किराने का सामान मौजूद है वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों पर लॉकडाउन की जबरदस्त मार पड़ी है, जहां वो लॉकडाउन के चलते बाहर नहीं जा पा रहे हैं। रोज मजदूरी कर पैसे कमाने वाले एक एक पैसे के मोहताज हो गए। वहीं कोपरा गांव तहसील के समाज सेवी आगे आकर भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो उसके बाद में ऐसा समझ में आया, जो हफ्ते के लोग थे कि जो सवेरे काम को जाएंगे तो शाम को घर पे खाएंगे, पेट भर के खाना खाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग थे कि उन्होंने आके बोले, जायद भी हो गए, शेखर भी हो गए, ऐसे इनको आके बोले कि भाई दो पाँच सौ रुपये होंगे तो हमारे को दो, हम घर में किराना भरते या घर में खाने को नहीं है, हमारे हालत नहीं है, हम कभी काम पर जाते हैं तो हम तुम्हारे से मांगते भी नहीं, भले के उधार क्यों नहीं देते हो, ऐसा दो चार जनों ने बोले। तो हमारे को ऐसा लगा, जायद बहने बोले, शकीर बहने बोले, क्या अपन ऐसा कुछ करेंगे कि जो हाथे के अपने तरफ जो मोहल्ला है कि ज़्यादातर मोल मजूरी करने वाले हैं, तो इन्होंने बोले कि अपन ज़्यादातर अपन जो रेशन का सामान है, किराना का सामान है, घी हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, आटा हो गया, तेल हो गया, ऐसा कुछ अपन सामान जमा करेंगे इकट्ठा, अपन सब मिलके जो पद पे है उनके कहने से सब पैसे जमा करके, या जिसकी जैसी परिस्थिति है वैसी 100 खुशी से 5,000 10,000 ऐसे इन्होंने सब उन्हें जमा करके सब सामान लाए। ऐसा अभी तक के 2 टाइम हो गया, ये तीसरे टाइम होने जा रहा है।